ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने वाले बड़े उद्योगपति डॉक्टर सुभाष चंद्रा राजस्थान में सियासी जादूगर की मौजूदगी में जीत पाएंगे या नहीं, यह तो अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन चंद्रा के मैदान में आने से कांग्रेस में कई विधायकों को अपनी भड़ास निकालने का एक अंतिम मौका जरूर दे दिया है। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक, कुछ निर्दलीय और कुछ खुद कांग्रेसी विधायकों को अच्छे से समझ आता है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले यह लास्ट मौका है जब गहलोत सरकार पर जमकर दबाव बनाया जा सकता है। यही कारण है कि बसपा से कांग्रेसी बने पांच विधायक राजेंद्र गुड़ा, फाजी बली, लाखन मीणा, संदीप यादव और गिरिराज सिंह मलिंगा के साथ ही कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने गहलोत सरकार के प्रति नाराजगी दिखाते हुए उदयपुर बाड़ेबंदी में जाने से साफ इनकार कर दिया। बीते रोज शुक्रवार को इन नाराज विधायकों को मनाने के लिए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और सीएम गहलोत के हनुमान माने जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ दो बार मंत्री राजेंद्र गुड़ा के आवास पर गए भी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इसी बीच इन नाराज विधायकों ने एक एक कर सरकार के खिलाफ अपने गुस्से को मीडिया के सामने निकालना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी हाल ही में अपने ऊपर लगे मारपीट के मुकदमे को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। मलिंगा ने कहा कि जो मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए हैं वह सरकार बचाने का और वफादारी दिखाने का ही इनाम है। गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि हम अब उदयपुर क्यों जाएंगे, पहले घूमने गए थे सरकार बचाने के लिए, उसी का परिणाम है कि मेरे ऊपर ऐसे मुकदमे दर्ज हुए जिनमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि हमारे साथ भले ही कोई गद्दारी करे लेकिन मुझे भगवान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मलिंगा ने कहा कि भले ही कोई यह समझ रहा हो कि वह हमारा मुकद्दर लिख रहा है लेकिन हकीकत में तो यह उसकी गलत फहमी है। भगवान ही सबका मुकद्दर लिख रहा है और भगवान ही हमारे साथ भी न्याय करेगा। मलिंगा ने कहा कि मुख्यमंत्री के कहने पर ही उन्होंने सरेंडर किया था लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हुआ। यही नहीं, कभी बसपा से विधायक रहे गिरिराज सिंह मलिंगा ने आगे यहाँ तक कह दिया कि और काम वाले में क्या है, आगे की जाने दे देंगे क्या। अच्छी पार्टी थी बसपा? अच्छी पार्टी थी, हम तो उसका एहसान मानते। उन्होंने हमको आज जहाँ तक भेजा है, मायावती जी की देन है हमारे ऊपर, तो कांग्रेस की देन तो नहीं कि कुछ जिन्होंने कोई नेता बनाया हो। कांग्रेस के तो मेरे सामने जमानत जब्त कराया गया नहीं, आए तो 8,000 वोट गए थे। अगर जिनकी कांग्रेस ही जीतती तो वहां जिता लेते, कौन जिता ली। मेरे सामने चुनाव लड़ा उसकी जमानत जब्त होगी, दोबारा मैदान छोड़ कर ही भाग गया। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि तीसरी बार आप ले आना किसी को और क्या। आपका ये मानना है मतलब आपको नेता दूसरी पार्टी ने बनाया? मेरे को ने बनाया, कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था? मतलब ये कांग्रेस का योगदान कैसे मान लूंगा, मुझे बहुजन ने टिकट दी, बहुजन के सिंबल पर जीत कराया, कांग्रेस की मदद करी। बहुजन का हम तो एहसान फरामोश नहीं होते हैं, जिसने हमारे संग एहसान किया हम तो उसका मानते हैं। मायावती जी के एहसान माने को जब तक जियेंगे आखिरी सांस रहेगी, जब तक मानेंगे हम नमक हराम नहीं है कि अगर किसी के संग एहसान करें और वो एहसान को भूल जाए। हम तो एहसान भूलने वाले नहीं है, हम तो जीवन भर जब तक आखिरी सांस होगी जब तक हम एहसान मानेंगे। बहुजन की देन है, कोई इनकी देन सुई है, जिन्होंने लेता सुई बनाएगा। वहीं अपनी ही गहलोत सरकार के प्रति विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की नाराजगी का लेवल इसी बात से समझ में आता है कि मलिंगा ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के सवाल पर कहा कि अब कोई शादी तो कर ही नहीं है का जीवन भर का साथ मेरे दे दी हो तो किसी के संग अपन करे, और अपन तो जैसे कोई बिछने वाले लोग तो है नहीं कि कोई कैसे में बिछ जाए। बिछकना कभी भी गए नहीं है और ना हम अपने जीवन में कोई ऐसा दाग लगाएं कि लोग हमसे कल गाली दें कि हमने भ्रष्टाचार किया, हमने कोई ऐसे कर्म किए कि हम पैसे की खातिर हम बिछकना ही गए हैं। जिस जनता ने हमको जिताएगा ना ही भेजा है, हम उस जनता का पूरा सम्मान करेंगे। ऐसा लोग मेरे से गाली देंगे, जनता से देंगे, मेरी जनता ने जिन्होंने मुझे एमएलए बनाया, तो मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा कि मैं ऐसा कोई गलत कदम करूं तो लोग मेरे से उंगली उठाएं।
पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।